आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में गूगल टीवी ऐप बार बार ओपन हो रहा है या फिर आपके फ़ोन में गूगल टीवी ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए, उसके बाद नीचे आइए और नीचे आने पर ऐप्स आएगा तो ऐप्स पे क्लिक करिए, उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में जैसे कि मैनेज ऐप्स आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आइए, नीचे आने पर आपको मिलेगा गूगल टीवी कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हैं गूगल टीवी ऐप आ रहा है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आएगा। और यहाँ पे अगर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में ये नहीं मिलेगा तो गूगल टीवी ऐप के आइकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए, उसके बाद ऐप इन्फो आएगा तो ऐप इन्फो पे क्लिक करिए और इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब आने के बाद आएगा नीचे फोर्स स्टॉप, तो इस पर क्लिक करिए, उसके बाद ओके करिए। अब ऊपर आएगा स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूसेज, तो इस पर क्लिक करिए। अब नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने से कुछ आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होता है, तो यहाँ पर ये करने के बाद बैक आइए और अब ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। बट यहाँ पे अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए और उसके बाद नीचे आकर ऐप्स पे क्लिक करिए, उसके बाद मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए या फिर ऐप मैनेजर पे क्लिक करिए। और अब इसे ओपन करने के बाद ऊपर राइट साइड कॉर्नर में ये 3 डॉट आएंगे, इन 3 डॉट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस, तो इस पे क्लिक करिए, नीचे रीसेट ऐप्स आएगा तो रीसेट ऐप्स पे क्लिक करिए। ये करने से कोई आपके फ़ोन से डेटा या फिर कोई ऐप डिलीट नहीं होता है, तो रीसेट ऐप्स पे क्लिक करिए। और ये प्रोसेस करने के बाद अब चेक करिए आपके फ़ोन में गूगल टीवी ऐप बार बार या फिर ऑटोमेटिक ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।